जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। अगर आपका भी टारगेट है कि सर मुझे दरोगा बनना है बिहार में, और अगर आप भी चाहते हो टू गेट दैट 2 स्टार ऑन योर शोल्डर, ये चैनल आपके लिए। हम हमेशा कहते हैं कि अगर बिहार में आपको दरोगा बनना है तो मोस्ट ऑथेंटिक चैनल आपके सामने है। और जो भी चीजें मैं यहाँ बताऊंगा, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। टॉपर के लिस्ट में आपको किस तरीके से आना, हर एक चीज हम आपके साथ यहाँ शेयर करते हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, बस आपसे एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो है आपका एक लाइक, और एक अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब। सबसे पहले देखिए, काफी दिन हो गया, 2-4 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट YouTube पे अगर मैं वीडियोस नहीं भी डालता हूं तो एक चीज जो मैं आपके लिए कंटिन्यूअसली कर रहा हूं वो है आपका मेरिट लेवल के क्वेश्चंस, जो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसको बेहतरीन तरीके से, आप कह लो मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से क्वेश्चंस में खुद प्रिपेयर कर रहा हूं। आप ये देख लीजिए, इस टॉपिक पे 2 क्वेश्चंस पूछा गया है रिसेंटली एग्जाम में। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जीव पर्यावरण को साफ करने में मदद करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म टाइप्स हेल्प इन द क्लीनिंग एनवायरनमेंट, और इसका बेहतरीन इस तरीके से हम आपका एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं, ठीक है, ताकि आप नोट बना लीजिए। तो नीचे लिंक होगा, आप जल्दी से, मैं फिर से कहूंगा, स्टेटस का एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। एक एक टॉपिक चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए डाला जा रहा है, तो स्टेटस आप जरूर फॉलो कीजिएगा, इसका आप आंसर दे दीजिए। बाकी डिटेल हमने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से देखे, यहाँ लिख दिया है, बाकी दो दो क्वेश्चन जो जो पूछा जाता है हम ये भी लिख दिए। अब देखिए, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ निकल के आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि अब जो एग्जाम है आपके हाथ में, ठीक है, आप मान के चलो, और मैं फिर से कहता हूं, जो एक स्टूडेंट होता है लाइक ए वॉरियर, आपको एज ए वॉरियर हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। आपके हाथ में मान के चलो कि 2 मंथ है। देखो, जब मैं 2 मंथ बोलता हूं तो हो सकता है इससे कम भी आपको मिल सकता है, क्योंकि जो BPSSC है, जैसे ही एग्जाम का जो आपका नोटिफिकेशन निकलेगा, हो सकता है कि चीजें बहुत ही फास्ट हो, तो आपको वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहना है। मान लीजिएगा 1.5 महीना में आपको पूरा का पूरा प्री आपका ले लिया जाता है, तो क्या आप प्रिपेयर हो? इन्वायरमेंट भी आपको अच्छे से पढ़ना, और इस बार हिंदी भी आपको पढ़ के जाना है, तो अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करना है अभी आपके हाथ में, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है क्या करना है, आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। और नीचे लिंक होगा, मैं फिर से कहूंगा, जो भी क्वेश्चंस डाले जाते हैं कृपया करके उसका नोट्स बनाना चालू कीजिए। देखिए, सबसे पहले ये जो 4 सब्जेक्ट हमने लिखा है, ठीक है, आप उसको ध्यान से समझिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देखिए, करंट अफेयर्स 20 से 25 32 क्वेश्चंस तक आ चुका है, बट मैं एवरेज लेके चल रहा हूं कि 20 से 25 क्वेश्चन तक आएंगे आपके। उसी तरीके से साइंस, इसका वैल्यू हमेशा बढ़ा है, और हो सकता है इस बार भी और ज्यादा क्वेश्चंस दिखे, बट अगेन मैंने एवरेज में लिया है 20 से 25, हिस्ट्री 18 से 22 और स्टैटिक जीके, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन। अगर इसको आप जोड़ते हो तो 20-20 एवरेज में ले रहा हूं, इसका भी 40-60 और 10 क्वेश्चन में स्टैटिक का भी मानता हूं, तो 70 क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। बस आपको ये सब्जेक्ट आपको कवर करना है, सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके आपको कमांड कर लेना है जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है। जितना जल्दी हो सके इन सब्जेक्ट पे आप कमांड करना स्टार्ट कीजिए। करंट के लिए मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, आपको क्या करना है, स्पीडी करना और साथ में MCQ लगाना है। स्पीडी बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, हमने किस तरीके से पढ़ा था उसका वीडियो है, आप प्लीज जाके देख लीजिएगा। साइंस का अगर हम लोग बात करें, ये बेहतरीन आपका जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है साइंस। इसमें आपको बायोलॉजी भी करना है, बोटनी भी करना है, इन्वायरमेंट भी करना है, फिजिक्स भी करना है और आपका केमिस्ट्री भी करना है। बट क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हर एक चीज हमने आपको पढ़ाया है, चाहे आपका ये करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, हर एक चीज आपको पढ़ाया गया है, चाहे आपका स्टैटिक जीके हो। देखिए, स्टैटिक जीके में बहुत सारे टॉपिक है, आपको डेज से सीओरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेज से। इस बार भी पूछा गया था इंटरनेशनल पीस डे कब मनाते हैं, डेज से सीओर है आपका, ठीक है, डांस से सीओर है, 2 तरीके के डांस, फोक होते हैं और क्लासिकल होते हैं, पेंट से हो गया, बहुत सारे टॉपिक है जो आपको स्टैटिक में कवर करना है, ठीक है, हर एक चीज हमने आपको पढ़ाया है। और अगर आपने कहीं और भी पढ़ा है तो ये सब चीजें आपको पढ़ना है, और उनको आपको पढ़ाना चाहिए, करंट अफेयर्स भी और स्टैटिक जीके भी, हर एक चीज कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए, मैं फिर से कहूंगा, आप जो स्थिर पढ़ने लगे हो, जो आप अपना मोमेंटम लूज करने लगे, एकदम लूज मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें आपको कवर करनी है, करंट अफेयर्स। अब ये जो 4 सब्जेक्ट है, ठीक है,
ये जो चार सब्जेक्ट है चारों का मैंने बेहतरीन तरीके से फोल्डर बना के ऐप पे अपलोडेड है। तो जो हमसे जुड़े हुए हैं मैं फिर से कहूंगा आप अच्छे से जाके कंप्लीट कर सकते हो, हर एक चीज आपको पढ़ाया गया। करंट अफेयर्स आप देखिए दो दो तीन तीन फोल्डर बनाया गया, साइंस के लिए अलग फोल्डर बनाया गया, हिस्ट्री के लिए अलग बनाया गया, स्टैटिक जीके के लिए अलग बनाया गया, और ट्रिक से हमने याद कर पाया, ठीक है। और जैसे ही ठीक है ये बीपीएससी ओवर होगा आपका यूट्यूब पे भी बेहतरीन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। डेली हम 40 से 45 मिनट का क्लास लेंगे और साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको कवर करवा देंगे। बट अभी इतना बस अपने आपको ध्यान रखना है कि आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो बहुत लोग हैं जो आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो बस अभी ये चार सब्जेक्ट पे आप फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि 70 क्वेश्चंस तो आपको यहीं से ऑलमोस्ट कवर हो जा रहा है। तो प्लीज अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। हाथ में बस आपको ये समझिए कि 1.5 से 2 मंथ है, क्योंकि आपका ये सितंबर ओवर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो सकता है कि 1 दिसंबर में ही आपका एग्जाम ले लिया जाए। तो वर्स्ट केस के लिए अपने आपको प्रिपेयर करके रखिए, और इस बार आपको इस तरीके से लगना है कि एक सीट आपका है और उसको आपको पक्का कर लेना और अपने घर वालों को भी पूरा खुशियां देना है। सो थैंक यू सो मच। फिर से स्टेटस आप जरूर फॉलो करें, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उसके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि यूट्यूब पे आके हर दिन वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।